नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हैशटैग क्या होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने इस टॉपिक को लेकर एक वीडियो बना दिया है कि हैशटैग और टैग क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें मैंने आपको क्या बताया, टैग और हैशटैग जो होते हैं इनमें क्या अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दो तरह की मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि पहली वीडियो में मैंने आपको थ्योरी टाइप एक चीज़ बताई थी, यानी कि आपको समझाया था जैसे कि आप थ्योरी करते हो, पढ़ाई करते हो, उस तरह से मैंने आपको समझाया था थ्योरी टाइप में। ठीक है दोस्तों, तो हैशटैग और टैग में क्या अंतर होते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपको बता दूँ, टैग और हैशटैग दोनों में अंतर होता है। दोनों कीवर्ड अलग अलग वर्क करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो मैंने आपको पहले वीडियो बना करके अपलोड कर दिया कि हैशटैग और टैग में क्या अंतर है, उसको आप देख कर समझ लीजिएगा। और दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसमें सिर्फ आपको हैशटैग के बारे में बताऊंगा कि अगर हैशटैग क्या होते हैं, क्यों वीडियो में लगाए जाते हैं, किस तरह से लगाए जाते हैं और ये क्या वर्क करते हैं, यानी कि किस लिए वीडियो में हैशटैग लगाए जाते हैं और कैसे वीडियो में वर्क करते हैं, क्या महत्व वीडियो में होता है, सभी कुछ वीडियो में दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों, सभी कुछ आज आपको मैं प्रैक्टिकल, उसमें मैंने थ्योरी टाइप बताया था, लेकिन इसमें आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हैशटैग कैसे वर्क करते हैं, ये कीवर्ड जो होते हैं हैशटैग वाले किस तरह से आपको कहाँ पर वीडियो में लगाने होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव राणा और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल GR पे। दोस्तों, आपको लेके चलता हूँ मैं अपने ही चैनल के एक वीडियो पे जहाँ पर मैंने हैशटैग लगाए हुए हैं, आपको वहाँ से प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे लगाए हुए हैं, कैसे आप लगाओगे और कैसे वर्क करेंगे। तो दोस्तों, देखिए, आपको लेके आ चुका हूँ मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन में और यहाँ से आपको बताता हूँ किस तरह से आपको हैशटैग लगाने होते हैं वीडियो में, कैसे कैसे आप लगाएंगे और क्या काम ये करते हैं, तो प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, देखिए, सबसे पहले जिस वीडियो में मैंने हैशटैग लगा रखे हैं, मैं आपको अपनी एक वीडियो का हैशटैग दिखा देता हूँ। तो मैं अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, वाइट स्टूडियो ओपन करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, मैंने पहला ही वीडियो आपको दिखाया था वीडियो अपलोड करने का सही तरीका। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने हैशटैग का यूज़ किया है, तो कैसे करते हैं इस पर मैं क्लिक करूँगा। आपको भी जब वीडियो अपलोड करेंगे तो वाइट स्टूडियो में आकर के ही हैशटैग लगाने हैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में। ठीक है दोस्तों, सबसे नीचे टैग का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपको टैग डालने होते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन जो होता है आपके वीडियो का, सबसे ऊपर टाइटल होता है। देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर पेन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे तो आपके आपका जो वाइट स्टूडियो उसमें भी आपका सेम यही सिस्टम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर टाइटल मिल जाएगा, उसके बाद ये पेन का निशान जो आएगा यहाँ पर, ये डिस्क्रिप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसी वीडियो का आपको बता देता हूँ। तो ऊपर तो आप डिस्क्रिप्शन यानी वीडियो के बारे में जो भी लिखना चाहते हैं सब कुछ लिख देंगे, लिख दिया है मैंने भी। अब यहाँ पर आप हैशटैग समझ लीजिएगा, हैशटैग आपको किस तरह से लिखने हैं। देखिए, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाया था कि यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही समय क्या है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको हैशटैग किस तरह से डालने हैं, तो आपको शुरू में हैश लगा देना है। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं मैंने हैशटैग लगाए हुए हैं, तो हैश लगा करके आपको यहाँ पर लिखना है यूट्यूब पर, इंग्लिश में लिखना है हाउ टू अपलोड, सॉरी, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि YOUTUBE यूट्यूब, बिना स्पेस दिए लिखना है, बिना स्पेस दिए आपको स्पेस नहीं लिखना है, लगाना है इसमें यूट्यूब, फिर PR पर VIDEO वीडियो, UPLOAD अपलोड करने का सही समय क्या है, या फिर वीडियो किस समय अपलोड करनी चाहिए। तो इस तरह से ही आपको यहाँ पर लिख देना जैसे मैंने लिख रखे हैं दोस्तों, इस तरह से आपको शुरू में हैज लगा लेना है। ठीक है दोस्तों, हैज लगाने के बाद यहाँ से आपको बिना स्पेस दिए सभी कुछ कीवर्ड आपको लिख देने हैं, फिर हिंदी में भी एक बार लिख देंगे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही समय क्या है, या फिर इस समय वीडियो अपलोड करो ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। इस तरह से आपके टाइटल जो भी बनाना चाहते हैं शुरू में हैज लगाइएगा और बिना स्पेस के सेंटेंस पूरा लिख देना है। ठीक है दोस्तों, ये हैशटैग इस तरह से लगता है आपके डिस्क्रिप्शन में, हैज लगाने के बाद बिना स्पेस दिए आपको पूरा सेंटेंस लिख देना है, यानी मैं टाइटल टाइप कोई चीज़ लिख देनी है जिस विषय पर आपने वीडियो बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से तो आप हैशटैग लगा करके और सेव कर देंगे। अब ये वर्क किस तरह करता है चलिए आपको दिखा देता हूँ। अब मैं वाइट स्टूडियो से निकल जाता हूँ बाहर और सीधे आपको यूट्यूब पर लेके चलता हूँ और यूट्यूब पर आपको दिखाता हूँ कोई दूसरा चैनल लॉग इन करने के बाद। तो देखिए, यहाँ पर दूसरी जीमेल से मैंने चैनल लॉगिन किया हुआ है। अब मैं इस जीमेल पर अपना ही उसी चैनल को खोल लेता हूँ, टेक्निकल GR को। ठीक है दोस्तों, ये मैंने चैनल सर्च कर लिया है और यहाँ पर अब देखिए, वहाँ पर हमने वो हैशटैग लगाए थे। अब मैं दूसरी जीमेल से इस वीडियो को देखूंगा और यहाँ आपको दिखाऊंगा किस तरह से हैशटैग काम करते हैं। अब इस वीडियो को यहाँ से ओपन कर लेना है, जैसे ओपन करेंगे दोस्तों आप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, वरना आप यहाँ से इसको पॉज कर दीजिएगा यानी रोक दीजिएगा वीडियो को, बनाते हो अच्छा कंटेंट, बनाते हो अच्छी वीडियो इस तरह से। ठीक है दोस्तों,
अब रोकने के बाद आपको यहाँ पर इसका टाइटल है ना, ये छोटा सा एरो आपको देख पा रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसका जो भी डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा था या आप जो भी लिखोगे सब यहाँ पर दिख जाएगा। अब वहाँ पर देखिए हमने जो हैश टैग लगाए थे ब्लैक थे, लेकिन अब मैं दूसरी जीमेल आईडी से इस वीडियो को देख रहा हूँ तो यहाँ पर ये हैश टैग अब दोस्तों एक उसमें परिवर्तित हो चुके हैं एक तरह का लिंक में। जैसे कि आप किसी वीडियो का लिंक शेयर करते हो या किसी प्लेलिस्ट का लिंक बनाते हो तो लिंक में शेयर हो जाते हैं ये जो हैश टैग लगाए होते हैं, देखिए ब्लू कलर के यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या है, जो भी मैंने हैश टैग यहाँ पर यूज़ किया, जिस तरह के सेंटेंस मैंने लिखे हैं आप लिखोगे, अब देखिए इसमें से आप किसी भी हैश टैग पर क्लिक कर दीजिएगा, मेरी ही वीडियो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से आप किसी पर देख लीजिएगा, अब यहाँ पर जो मेरी वीडियो वीडियो यहाँ पर आएंगी मेरे हैश टैग के ऊपर, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, ये मेरी वीडियो यहाँ पर आएंगी। अब इनके बीच में यदि कोई वीडियो आती है, जैसे ये आ रही हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अब ये क्यों आई हैं, क्योंकि मैंने भी वही कीवर्ड यूज मिलते जुलते अपनी वीडियो में लगाए हैं जो इन वीडियो में लगे हुए हैं, या फिर इन्होंने वो हैशटैग लगा रखे हैं जो मैंने लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारे और इन वीडियो कीवर्ड मैच करते हैं, जो हैशटैग है वो मैच कर रहे हैं, इसलिए हमारी वीडियो इनके सजेशन में आ चुकी है। और यदि इनके कोई हैशटैग ऐसी कोई वीडियो इन्हें को देखेगा जो यहाँ पर आ रही हैं और इनके टाइटल में जाकर इनके डिस्क्रिप्शन में जाकर के हैशटैग देगा, तो ये जब अपना हैशटैग इनकी वीडियो को ओपन करेगा तो वहाँ पर हमारी वीडियो इनकी जो है सजेशन में आएंगी, ऊपर नीचे हमारी वीडियो यहाँ पर आएंगी। तो हैशटैग से एक दूसरे के सजेशन में वीडियो इस तरह से पहुँचती है। तो जो भी मैंने कीवर्ड यूज़ किए हैं, जिस किसी भाई ने भी ये कीवर्ड यूज़ कर रखे होंगे तो उसकी वीडियो मेरे सजेशन में जाएंगी और मेरी वीडियो उसके सजेशन में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो इसी तरह से आपकी वीडियो पर भी व्यूज़ बढ़ते हैं, इसी तरह से दोस्तों व्यूज़ बढ़ते हैं, क्योंकि कोई किसी की भी वीडियो देखता है और उसके सजेशन में आपकी वीडियो आती है, हो सकता है उसकी वीडियो से पसंद ना आए और आपका थंबनेल अच्छा लगे तो आपकी थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देख ले तो वहाँ पर आपकी वीडियो पर व्यूज़ मिल जाता है। तो इसी तरह से दोस्तों कीवर्ड काम करते हैं, ये जो हैशटैग वाले कीवर्ड होते हैं इसी तरह से काम करते हैं और एक दूसरे सजेशन में वीडियो को भेज देते हैं जहाँ से आपके व्यूज़ बढ़ते हैं। दोस्तों यही थे हैशटैग, और इन्हें इसीलिए लगाया जाता है जिससे कि आपकी वीडियो किसी दूसरे के सजेशन में चली जाए, जो भी बड़े क्रिएटर्स हों, यूट्यूबर हों, या फिर उनके आपके क्रिएटर्स उनकी आपके सजेशन में आए, जो भी है मतलब उनके वीडियो को देखेगा और आपने भी वही उनसे रिलेटेड कीवर्ड जो है हैशटैग लगा रखे हैं तो आपकी वीडियो उनके सजेशन में 100% चली जाती है। वहाँ से देखने वाला यूट्यूबर आपकी वीडियो को भी देख सकता है, उससे आपको व्यूज़ मिल जाता है। तो ये वर्क था, इसी तरह से वर्क करते हैं दोस्तों ये कीवर्ड जो हैशटैग होते हैं, मैंने आपको बता दिया, आशा करता हूँ। दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों देखिए ये तो मेरा आपसे कहने का फ़र्ज है, मैं आपसे कह रहा हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं आएगी तो आप अगली वीडियो देखेंगे। जब भी आपको कोई वीडियो पसंद आएगी तो आप एक ना एक बार ज़रूर, मुझे उम्मीद है कि आप 100% एक ना एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। Oh,